हेलो फ्रेंड्स, आज की आज वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारे फीचर्स के समझा पाऊँ जो भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो कि यहाँ पर है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी फेसबुक की एप्लीकेशन है। इसमें सबसे पहले तो आपको फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक तो ईमेल एड्रेस चाहिए और फ़ोन नंबर। तो ईमेल एड्रेस से आप साइन अप कर सकते हैं, और फिर फेसबुक क्या करता है कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपसे एक बार ओटीपी के थ्रू उसको रजिस्टर करने ले जाता है, क्योंकि आजकल फेक प्रोफाइल ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए फेसबुक को स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप पहली बार फेसबुक चला लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, तो आपके पास ये स्क्रीन आती है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका एक है होम आइकन, ये है वीडियोस के लिए, ये आपकी प्रोफाइल के लिए, और ये कोई अगर आपने पेज बनाया है तो उसके आइकन के लिए, और ये है नोटिफिकेशन जिसमें जैसे बैल होती है ना, कोई आता है तो आपको बैल बजती है, तो इसी तरह से ये बैल है। तो कुछ भी एक्टिविटी होगी आपसे रिलेटेड तो इसमें आपको ये दिखाने लगेगा। ये एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें ये चेंज होता रहता है। तो जैसे अगर आपने कोई पुराना मोबाइल है आपके पास, मान लो एंड्रॉयड 7 है या 9 है, तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें आप ये मत सोचना कि यार हमें तो आया नहीं, आप बस कंसेप्ट का ध्यान रखिए और सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होम है। ठीक है, अब होम में क्या है कि एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी फेसबुक है ना, वो एक चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू ये पूरी फेसबुक चलती है, वो है पोस्ट। जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या पहले एसएमएस यूज़ करते थे, उसमें एक मैसेज होता था ना, तो ये उसका एक बेसिक है कि जो भी एक्टिविटी होती है वो मोस्टली पोस्ट के थ्रू ही होती है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, लोग फोटो भेजते हैं वो भी पोस्ट के अंदर ही भेजते हैं, लाइव वीडियो भी आप कहोगे लाइव वीडियो अलग से है, पर वो भी एक पोस्ट की तरह ही आती है। तो पोस्ट में क्या है कि आप या तो अपने उस पर पोस्ट कर सकते हो जो आपकी प्रोफाइल है, या आप क्या कर सकते हो किसी और की प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकते हो। तो पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, अब जैसे ये जो है ये आपको देखना है यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट समथिंग हेयर, या यहाँ कुछ लिखिए। इसका मतलब कि ये आपको पोस्ट बनाने के लिए कह रहा है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि हाय हेलो जो भी है, और जब आप इसको लिख देंगे तो ये जैसे मैं अगर लिख देता हूँ हाय टेस्टिंग, तो इसमें अगर आप इधर देखें तो ये जो आइकन है यहाँ पर पोस्ट का आइकन विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपकी प्रोफाइल पर पोस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये पोस्ट कर देगा ये पब्लिकली पोस्ट करेगा। ठीक है, तो जब पब्लिकली पोस्ट करेगा तो जितने भी आपके अकाउंट में फ्रेंड्स हैं ये सबको दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये पोस्ट कर दूंगा, मान लो मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, अब ये पोस्ट हो गया है। तो पोस्ट के वक्त अब आप अगर इसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ही आ गया है ना। तो इस तरह से ये पोस्ट होता है। अगर आपको देखना हो कि ये हमारी गैलरी में है या नहीं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं प्रोफाइल में, या आप यहाँ से जाकर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्क्रॉल करिए, अब जो भी आपने खुद पोस्ट किया होगा उसकी सारी डिटेल आपकी यहाँ नीचे आ जाएगी। जैसे मैंने अभी ये पोस्ट किया, उससे पहले मैंने ऐसा कुछ पोस्ट किया था। तो ये तो होगी पोस्ट जो आप खुद अपने लिए करते। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप किसी और को पोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे को पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपका सर्च वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बंदे का नाम डालिए। अब मैं डालता हूँ, ये नाम कोई भी हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ हाय। अब ये करने से क्या होता है कि अब यहाँ पर अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये किसी और की प्रोफाइल है। ठीक है, अब इस प्रोफाइल में
मैंने ये ऐड किया है। तो ज़्यादातर इस तरह की पोस्ट हम कब करते हैं, जब किसी का बर्थडे होता है या कोई खुशी का मौका होता है तो हम उसे कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो ये उसकी वॉल पे पोस्ट कर देते हैं या प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही दो तरीके होते हैं पोस्ट करने के लिए। एक तो हमने क्या करा कि एक अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट किया जो हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं, और दूसरा दूसरे की प्रोफाइल पे जो हम सिर्फ उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से मैसेज की तरह लिए, पर पब्लिक मैसेज की तरह, जिसको मान लो अब इनका कोई और भी फ्रेंड है तो वो भी इसको देख पाएगा। तो ये इस तरह से पोस्ट चलता है। अब अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में और क्या कर सकते हैं आप, पोस्ट में आप कमेंट कर सकते हैं हाय, जैसे अगर यहाँ पे कुछ और होता कि मैं लिखता कि हैप्पी बर्थडे या कुछ, औरों को नहीं पता होता तो वो कमेंट लिख सकते थे कि हाय कि अच्छा लगा ये आपने ये मैसेज करा, ऐसा कुछ करके। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइक कर सकते हैं इसको। ये लाइक में भी आपके रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक में रिएक्शंस होते हैं आपका, ये लाइक का है, फिर लव का है, या ये हंसने वाला है उसके बाद, या शौक वाला है कि वो मतलब आप समझ नहीं पा रहे क्या हो गया, बहुत खुशी का, और नहीं तो सैड है, और एक गुस्से वाला स्माइली है, इसे रिएक्शंस बोलते हैं। आप ये कर सकते हो पोस्ट पे। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप पोस्ट पे, अब आपने पोस्ट कर दिया है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। एडिट कहाँ से करेंगे आप, ये जो तीन वाला मार्क है इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको एडिट कर सकते हो। एडिट में आप इसको कुछ और लिख सकते हो। ठीक है, और फिर ये जो आइटम है आपका, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो उसे। तो ये क्या करेगा, आपकी पोस्ट दोबारे पोस्ट कर देगा और नए कंटेंट के साथ। ठीक है, ये एडिट कर दिया। अब मान लो कई बार होता है कि आपको लगता है कि यार ये पोस्ट गलत हो गई है तो उसको डिलीट भी करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तीन मार्क को दबाओ और इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे पूछेगा डिलीट कर रहे हो, तो आप डिलीट कर दो इसे, तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गई पोस्ट की बात कि हम कैसे पोस्ट करते हैं। अब पोस्ट में और क्या कर सकते हैं, अब पोस्ट में हमने क्या करा, अभी एक क्रिएट करी, ठीक है, हमने एडिट भी कर दी और हमने डिलीट भी कर दी। अब उस पोस्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपका ये शेयर का आ रहा है ना, लाइक हमने देख लिया, कमेंट हमने कर लिया, और ये अब शेयर का ऑप्शन है। अब शेयर के लिए क्या करना है आपको, अब इसमें ये शेयर कर सकते हो आप, इसमें आप कुछ और अपेंड कर सकते हो कि टेस्टिंग शेयर करके कुछ लिख दो। ठीक है, शेयर नाउ, तो ये क्या करेगा, इसी पोस्ट को दोबारा शेयर कर देगा नई चीज़ से। ये देखिए, ये मैंने दोबारा शेयर कर दिया, ये दिखा रहा है अब टेस्टिंग के नाम से, और ये अंदर भी मेरा ही दिखा रहा है। तो इस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है आपको, मान लो जैसे आपका कोई फ्रेंड है और वो कुछ पोस्ट करता है, अब आप क्या करना चाहते हो कि आप उसको शेयर करना चाहते हैं किसी और से, मान लो जैसे वो तो जो शेयर कर रहा है वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में अवेलेबल है, पर आप अपनी फ्रेंड लिस्ट के साथ कैसे शेयर करोगे, आप क्या करोगे उसके यहाँ पे पोस्ट में जाकर शेयर करोगे और शेयर कर दोगे। जैसा कि आप देखो ये पब्लिकली हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट में उसके पास जाएगा, और बाहर से भी कोई आएगा तो वो भी इसको देख पाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये होम पे हम आ जाते हैं दोबारे, हमने यहाँ से क्या करा था, पोस्ट करा था अभी। ठीक है, अब इस पहले होम को देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे फोटो और इसमें भी आएंगे। अब होम में आकर अब ये जो आपका है ना, ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या है कि ये स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज़ क्या होती हैं कि मान लो आपको कुछ टाइम के लिए शेयर करना है, आपको आपने ये नहीं चाहते कि सारे टाइम रहे वो, तो 24 घंटे का कुछ इसमें टाइम है, उसमें आप शेयर कर लेते हो उसको, और ये आपको यहाँ पर ऐसे दिखने लगता है। तो ये मैंने कुछ पेजेस लाइक करे हुए हैं, अगर मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स होते तो फ्रेंड्स का भी यहाँ पर आ जाता है। जैसे अब ये मेरे फ्रेंड है तो इनका भी दिखने लग गया, इन्होंने अभी कुछ स्टोरी में डाला है। तो आप इस तरह से स्टोरी ऐड करते हो जब, तो ये सबके यहाँ पर इसी कॉलम में दिखता है। तो ये जो सेक्शन है ये स्टोरीज का हो गया, तो जो भी कोई नया कुछ डालता है तो वो इधर विजिबल होने लग जाता है, और एक नोटिफिकेशन इधर आती है कि योर फ्रेंड हैज़ शेयर ए स्टोरी, तो उस पर आप रिएक्ट कर सकते हो। एक जो फीचर है इसकी स्टोरी की, वो ये फ़ायदा होता है कि अब जैसे ये जो स्टोरी है, एक तो ये 24 घंटे में गायब हो जाती है, और दूसरी जो भी आप मैसेज भेजते हो ना,
ये मैसेज प्राइवेटली जाते हैं। जो पोस्ट में हमने देखा था, पोस्ट में क्या था कि मैसेज आप सबको विजिबल रहते हैं, जो भी आपका उसके फ्रेंड्स होंगे, है ना, पब्लिकली, पर ये प्राइवेट जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आपको शेयर करनी हो जिसमें कुछ कॉन्ट्रावर्सीज हो या आपको लगता है कि कुछ ऑफेंसिव हो सकता है, बट स्टिल आप उसको उसको सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप उसको ऐसे किसी सेक्शन में डाल सकते हो। मैं एक पोस्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये स्टोरी है, आपको इस तरह से ये आइकन दिखेगा, या इधर स्क्रॉल कर लेंगे तो आप आपको इस तरह से दिखेगा। अगर ऐसे आएंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा आपकी प्रोफाइल के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं अगर मान लो ये डाल दूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। आप इसमें एडिट कर सकते हो, इसको कुछ लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको करना है। और फिर आप जब शेयर योर स्टोरी, ये जो है ना, इसको जब क्लिक करोगे तो ये पोस्ट कर देगा, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे कर दूँ शेयर स्टोरी, तो ये जैसा कि आप देखिए कि इसमें कह रहा है कि ये विजिबल फॉर 24 आवर्स ओनली, और फिर ये वहाँ पे जाकर शेयर हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो जो भी दूसरे की प्रोफाइल में होगा वो आपको वहाँ पे शेयर होना दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब और नीचे आते हैं। अब जब हम नीचे आएंगे तो इसमें अब ये जो होम होता है ना, ये सारी चीज़ों का एक तरह से वो वॉल टाइप होता है, कि जो भी आपका कोई फ्रेंड कहीं पर भी कुछ भी शेयर करता है और पब्लिकली शेयर करता है, या किसी फ्रेंड लिस्ट में शेयर करता है ग्रुप्स में, तो ये यहाँ पे विजिबल होगा। तो अब अगर आपको देखना है कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मान लो आपके 100 फ्रेंड्स हैं, तो सबकी प्रोफाइल में जाकर देखना तो पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आप होम पे आओगे और इस तरह से स्क्रॉल करना शुरू करोगे। अब जैसे ये मैंने खुद शेयर किया है, मेरा भी दिखाते हैं डिटेल। अब ये सैमसंग का मैंने एक पेज लाइक करा हुआ, उसका भी डिटेल दिखाता है, और ऐसे ही ये काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता रहेगा। इसमें आप ये देख सकते हो, जैसे एक तो इस बात का ध्यान रखना कि कब पोस्ट हुआ ये। कई बार पोस्ट होती है हमें पता नहीं चलता कि ये कितने बजे पोस्ट हुई थी, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो कि रीसेंट आपको देखनी हो, तो कहीं ऐसा हो कि आप बहुत पुराने देख रहे हो, आप सोच रहे हो रिपीटेड कंटेंट आ रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि 1 आवर ये टाइम स्टैम्प होती है इसकी, कि कब ये पोस्ट हुआ था। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि कितनी बार कमेंट हुए हैं इस पर और कितनी बार ये लोगों ने शेयर करा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये रिएक्शंस आप देख सकते हो, आप खुद भी रिएक्ट कर सकते हो, तो ये उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब जैसे मान लो मैं ये 292 अगर मैं इसको कर दूंगा, तो ये क्या करता है, यू एंड 294। अगर आपको वापस अपने रिएक्शन लेना है तो बार दोबारा इस पर क्लिक कर दें और ये वापस रिएक्शन आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद अब ऐसे ही जैसे ये स्कूप वूप मैंने पेज लाइक करा हुआ है, तो ऐसे फीड्स आती रहेंगी आती रहेंगी। ये 17 मिनट पहले आई थी, ये 29 मिनट्स पहले, तो इस तरह की ये फीड्स आती रहती हैं। तो ये आपका हो गया होम, ठीक है। अब होम में एक बारी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। होम में क्या था, एक तो आपके फ्रेंड्स जो भी शेयर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आती हैं, और जो पेज आपने लाइक करा है उनके भी पोस्ट आती रहती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वीडियोज़ में। ये वीडियोज़ वाला सब जगह नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि ये किसी और एंड्रॉयड वर्जन में कुछ और नाम से आ रहा होगा, पर ये अभी सिर्फ एंड्रॉयड 10 के लिए है। तो इसमें आपकी वीडियोस हैं, इसमें वो वीडियोस आते हैं जो आपने फॉलो कर रखी हैं, और कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट वाली, जैसे कोई लोग वो प्रमोट करते हैं अपना चैनल तो उसमें भी आ जाती हैं। अब जैसे ये वाला मैंने नहीं करा हुआ, पर स्टिल ये दिखा रहा है, तो आप इसको यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो, तो ये आपके पास ऑलरेडी आने लग जाएगी अगर ये एडवर्टीजमेंट ख़त्म भी हो जाएगी। अब जैसे ये स्पॉन्सर्ड है, आप देखें, ये मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ पर ये इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है ये, तो इसमें ये पैसे देते हैं और हमें ऐड दिखाते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप इस पे जाकर आप लाइक वाइक कर सकते हो इसको, ठीक है। ये अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं लोग। तो ये वीडियो वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल में जाने के लिए 2 तरीके हैं, कुछ कुछ एंड्रॉयड में अभी एक ही तरीका है। तो ये शॉर्टकट आ गया है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी प्रोफाइल दिखा देगा। कई बार होता है जैसे हम चाहते हैं कि यार क्या क्या पोस्ट किया था मैंने, लास्ट टाइम क्या पोस्ट किया था देखना है, तो उस चीज़ को देखने के लिए आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे और फिर यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू करेंगे कि यार मैंने क्या क्या पोस्ट करा था लास्ट टाइम, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यही था। और दूसरा तरीका है प्रोफाइल में जाने का, आप ये 3 पे क्लिक करिए, ये हर एक वर्जन में चलता है, और इसमें आपका नाम आ रहा होगा और सी योर प्रोफाइल करके ऐसा दिखा रहा है। ये आपके पेजेस अगर आपने कोई बनाया हुआ है, तो अगर आप इस पर क्लिक करें
तो इसमें आप जाकर वही सेम चीज़ आ जाएगी, पहले आपकी फ़ोटोग्राफ्स आएंगी और ये, फिर फ्रेंड्स आ जाएंगे और ये, फिर ऐसे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, अब ये इसमें पेजेस होते हैं, अगर आपने कोई बनाया तभी आएगा, अगर आपने नहीं बनाया तो ये नहीं आता है। और फिर ये नोटिफिकेशन आ गई, इसमें सजेशन आते रहते हैं आपको कि फ्रेंड कौन है आपका और ये नए कौन बंदे बने हैं, इस तरह से करके। तो ये नोटिफिकेशन आई होती है बेल, तो इस पे जैसे अब मान लो ये स्टोरी किसी ने ऐड की थी या किसी ने कुछ रिएक्ट किया है, उस पे जब आप जाकर क्लिक कर दोगे तो ये आपको उसी जगह ले जाएगा। तो ये भी एक तरीका है देखने का कि आपके पास क्या है, जैसे मान लो कोई टैग करता है आपको, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिखाने लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब एक बार वो देख लेते हैं कि आप फ़ोटो कैसे पोस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा कि फ़ोटो पोस्ट कैसे कर सकते हो, तो मतलब ये भी एक पोस्ट का ही पार्ट है। तो फ़ोटो पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, राइट समथिंग हेयर। ये हमने उसमें भी किया था जब हम कुछ टेक्स्ट पोस्ट करना चाहते थे। पर अब हमें क्या ध्यान देना है, ये जो फ़ोटो वीडियो वाला है ना, क्योंकि हमें फ़ोटो या वीडियो अपलोड करनी है। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे को फ़ोटोज़ ले आएगा कि कौन कौन से तरह की फ़ोटो हैं। तो मान लो अब मैं दोबारा यही कर देता हूँ, ये इस तरह से फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। इस पर मेरे को क्या करना है कि ये क्लिक करना है बस, एक इसमें मल्टीपल भी कर सकता हूँ, मान लो मैं एक ये भी उठा लूँ ये, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाला जो विजिबल है ना आइकन, इस पर करना है, इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं। और अब ये देखिए, अब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है कि जो भी फ़ोटो आपने सिलेक्ट करी होगी या वीडियो, ये यहाँ पे दिखाएगा। अभी ये पोस्ट नहीं हुआ है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे पोस्ट अभी हुआ नहीं है, ठीक है। हम अभी भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे, ये जो बैक का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें ये डिस्कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसको एक कर सकते हैं हम डिस्कार्ड, अभी हमें नहीं करना है तो हम छोड़ देंगे इसको, तो बैक कर लेंगे दोबारा, अभी वापस आ गए। अब या तो आप यहाँ से एल्बम भी चूज़ कर सकते हैं, अभी अगर यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या करेगा, किसी एल्बम में नहीं डालेगा, सिर्फ फ़ोटो ऐसे पोस्ट कर देगा, तो ऐसे पोस्ट रह जाएगी। नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी होता है एल्बम बनाने का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने पहले बनाई हुई है ये एल्बम इस तरह की, ठीक है। या तो इसको चूज़ कर लीजिए, अगर मान लो जैसे मैं इसको ये चूज़ कर लेता हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक कैटेगरी बन जाएगी। अगर आप जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि कैमरे के नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है गैलरी में, जो भी आपने कैमरे से फ़ोटो खींची है, तो उसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। या तो जैसे ये, तो अगर प्री बिल्ट है तो इसको इस तरह से चूज़ कर लिया, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, नई एल्बम भी बना सकते हैं। एल्बम का नाम दे दें आप यहाँ पर, टेस्ट एंड क्रिएट। अब ये टेस्ट नाम की आपकी एल्बम बन जाएगी और इसमें ये हम पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं टेस्ट, ताकि मैं बाद में डिलीट कर पाऊँ, ठीक है। और इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब जो मैंने पहले एक चीज़ डिस्कस नहीं की थी वो थी पब्लिक, ये हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे वीडियो चाहे कुछ हो। अब इसमें अगर हम करते हैं, ये क्या करता है, ये टारगेट ऑडियंस को बताता है। जैसे आप कोई पोस्ट कर रहे हो और आपको ये डिसाइड करना है यार ये सबको पोस्ट करें या एक स्पेसिफिक ग्रुप का पोस्ट करें, तो मेन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कई बार क्या होता है कि आप छुट्टी ले लेते हो, है ना, और छुट्टी ले लेते हो और आपके ऑफिस के फ्रेंड्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें, और आप बताना नहीं चाहते हो कि मैं घूमने गया हूँ ना छुट्टी लेकर, तो उन केसेस में ये बहुत काम आता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पब्लिक ना कर कर, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, पोस्ट इज विजिबल टू पीपल हु कैन ऑलरेडी सी दिस एल्बम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी मैं यहाँ पे मैंने जो एल्बम करी है ना वो पब्लिकली हो गई है, तो इस वजह से इसमें मैं कुछ एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो ये तो ऐसे ही होएगा, अगर मैं इसमें से एल्बम हटा दूँ, अब जैसे मैंने एल्बम हटा दी यहाँ से, तो अब मैं ये पब्लिक वाला चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ये पब्लिक है, इसमें फ्रेंड्स है, सिर्फ आपके फ्रेंड्स को जाएगी, तो मान लो जो आपको कोई फ्रेंड में नहीं है पर आपकी प्रोफाइल में घुस गया है वो, तो उसको ये दिखेगा नहीं, और यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हो लोगों को, ठीक है। तो मैं कुछ सैंपल के लिए मैंने ब्लॉक करा हुआ है, तो इस तरह से आप ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ये हमने एल्बम में क्या करा था, हमने ये वो फ़ोटोज़ में गए थे, फ़ोटोज़ में आकर हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट करी है और हम पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट करते हुए हम क्या ध्यान रख सकते हैं
कि या तो उसको किसी एल्बम में डाल लें, अगर एल्बम नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम नई एल्बम क्रिएट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी। अगर एल्बम क्रिएट करते हैं तो उसकी पब्लिक प्रोफाइल या कुछ एक बार और देख लेते हैं। जैसे हम एल्बम में गए, क्रिएट न्यू एल्बम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पहले से ही हमें डिसाइड कर लिया था पब्लिक, इस वजह से हम वहाँ पे हटा नहीं सक रहे थे। क्योंकि हमने क्या करा था कि एल्बम जो है वो हमने पब्लिकली एक्सपोज कर दी, पर उसके अंदर के जो फोटोज़ है वो हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी अभी नहीं है फेसबुक में। तो अगर आप एल्बम में डाल रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि वो एल्बम किस ऑडियंस के लिए टारगेटेड है, पब्लिक है या फ्रेंड्स के लिए है। बाकी अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सीधा पोस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉक कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक फ्रेंड एक्सेप्ट कर लो या फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। और जब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो पोस्ट करते ही क्या होगा ये कि ये दोबारे पोस्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये अपलोड हो रहा है। अब जैसे ही अपलोड हो गया ये यहाँ पे ये दिखाने लग जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसी पोस्ट है अगर आप ध्यान रखें। अब जैसे मान लो मैं किसी के नाम पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरह से, अब मेरा है, मैंने अभी टेस्ट का ये करा है ना, और उससे पहले मैंने ये करा था पोस्ट, तो ये सारी पोस्ट मेरे उसमें आ जाएगी, ठीक हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, और हाँ एक चीज़ और करते हैं, अगर मान लो आपको किसी को सर्च करना है, कोई पेज सर्च करना है, मान लो अब मैं करता हूँ कुछ सर्च, लाइक कोई सेलिब्रिटी का नाम देखते हैं, मान लो जैकी चैन करते हैं सर्च। कई बार होता है ना कि हम चाहते हैं यार उनकी अपडेट आए हमारे पास, ग्रुप्स हम ज्वाइन करते हैं, तो अब जैसे जैकी चैन है ना, अब ये और भी ग्रुप्स हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ना, यहाँ पे पोस्ट हैं, पीपल है, इवेंट्स है, ग्रुप्स है, आपको किस टाइप का कुछ देखना है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे ये आ गया है, ये जैकी चैन अरमानिया करके है, तो इस पे जब आप क्लिक कर देंगे इसको, इसके अंदर जाने के लिए ये पेज होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पेज आ रहा है, ये ग्रुप है, तो ग्रुप में आपको आने के लिए परमिशन की ज़रूरत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पेज में कोई ऐसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप इसमें जाएंगे तो पेज भी एक तरह से प्रोफाइल ही है, बस इसमें क्या होता है कि आप पोस्ट करते हो और आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो एक अकाउंट पे काफ़ी पेजेस बना सकते हो आप, तो ये एक तरह से एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, कैटेगरी बना लेते हैं लोग। तो अगर जब आप इसको यहाँ से लाइक कर देंगे तो ये क्या करना शुरू करेगा, अब यहाँ पे जो भी पोस्ट होगी वो मेरी वहाँ पे दिखने लगेंगी, जैसे बस स्कूप वगैरह आ रहा था, तो ये भी एक तरीका है। अभी मेरे को, मैंने यूँ ही करा था तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, अनलाइक का ऑप्शन कर दिया मैंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फेसबुक पे कर सकते हो। और क्या मैं मिस कर रहा हूँ, और क्या चीज़ होती है, एक ये चीज़ भी दिखा देता हूँ मैं आपको, सेव करने का तरीका। जैसे मान लो अब ये है, ये मान लो ये बहुत, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है यार, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पर होता क्या है कि जब आप 4-5 घंटे बाद आते हो यहाँ पे इतनी चीज़ हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको तीन बिंदु पे जाइए है ना, इस पे सेव पोस्ट कर दीजिए। जब आप सेव पोस्ट करते हो तो ये कलेक्शन मांगता है फॉर लेटर, जैसे मैंने काफ़ी बनाई हुई है तो इसमें सेव कर दिया इसने, सेव टू। अब इसको एक्सेस कहाँ से करेंगे आप, यहाँ पे जाइए तीन वाले में, ठीक है, और कहाँ जाइए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सेव करके ऑप्शन आ रहा है एक, है ना। मैं अपनी प्रोफाइल वाले में आया और ये सेव्ड में गया। अब यहाँ पे देखिए कलेक्शंस है, यहाँ पे एक फोर लेटर की आ गई, जैसे मैंने एक हेल्थ की अलग बनाई थी, स्पोर्ट्स की अलग बनाई थी, एक फोर लेटर की दूसरी है, और यहाँ पे देखिए ये आ गई है मेरी फोर लेटर में। जैसे मैंने एक वीडियो भी रखी हुई है, शायद मैंने वहाँ पे करी नहीं तो इस वजह से आई नहीं क्या, तो एक बारी और कर लेते हैं फॉर द सेक। अब मान लो ये थी, इसको मैंने किया सेव पोस्ट, फॉर लेटर पे आपको क्लिक करना है तभी वो सेव होगी, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, सेव पे जाता हूँ, एंड फॉर लेटर, ये देखिए ये आ गई है। वो रिफ़्रेश करना था एक बारी, ये आपको ब्लड शॉट की दिख रही होगी,
ये मेरे को उसी पोस्ट पे ले जाएगा। तो जैसे कई बार वीडियोस होती है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो स्क्रॉल करने के लिए आप अपना सेव कर सकते हो, एक तरह से बुक मार्क टाइप हो जाता है। जैसे कभी आप बुक पढ़ते हो ना, बुक में आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट्स मिलता है तो आप उसमें कुछ पर्ची रख देते हो जिससे आप वापस आ सको। तो ये उस तरह का ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है। जैसे और मान लो कोई अपने फ़ोटो करी थी और सिमिलर वे में हम फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं। अब कुछ लास्ट में मैं फटाफट, अब लास्ट में मैं फटाफट एक वो और ले लेता हूँ कि चेक इन कैसे करते हैं। अब एक तो लाइव का ऑप्शन आता है। लाइव में क्या है कि आप जैसे कहीं जाते हैं ना और आपको दिखाना है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, तो उस टाइम आप लाइव कर सकते हो और यहाँ पर जो है शेयर लाइव वीडियो कर देंगे। अब जैसे ये कैमरा चालू है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली पोस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखिए कितना इजी है ये। और अगर आप इसमें से ये ऊपर इसको कैमरा फ्लिप करना चाहते हैं तो ये भी इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं ना। पर एक बात का ध्यान रखना है, जब भी बनाना शुरू करें पहले कैमरा चूज़ कर ले, नहीं तो ये बड़ा वियर्ड बिहेव करता है। और दूसरी चीज़, हम फेसबुक में ज़्यादातर क्या करते हैं, चेक इन करना। तो चेक इन करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इसको चेक इन करा। अब चेक इन करने के लिए हम जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया है ना। तो मान लो मैं यहाँ हूँ, तो इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम कर देंगे सिलेक्ट, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे साथ कोई है नहीं, ठीक है। और जैसे मैं करूँगा, देखिए मैप आ गया और ये अगेन दोबारे पोस्ट जैसा आ गया। तो एक तरह से बस मैप शेयर हो गया। और ये जो ऐट लिखा था ना, ये लिखा जाता है कभी आप बाहर जाएँ तो इस तरह से कर लेना, अच्छा लगता है, आपको भी ध्यान रहेगा, ये मेमोरीज में आता रहता है बार बार। तो ये इस तरह की चीज़ भी हम कर सकते हैं। बाकी अब देखिए एक नोटिफिकेशन आ गई है मेरे पास भी, किसी ने कुछ कहा था, तो अब इस तरह से बेल दिखाई देगी और जब मैं इसमें जाऊंगा तो मेरे को उसकी नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगी जो नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी हैं। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं और वीडियोस बना सकता हूँ। थोड़ी डिटेल चाहिए किसी चीज़ के लिए तो उस हिसाब से डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है। ये सिर्फ मैं और भी देना चाहता था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कुछ ना पसंद आया हो या कुछ स्पीड टाइप में कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। बाय।